तो इलास्टिसिटी के अंदर ये चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी इसलिए क्योंकि ये एक किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि अगर आप बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, वायर को स्ट्रेच करते हैं और छोड़ते हैं, तो वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है। तो अगर कोई बॉडी को आप स्ट्रेच करते हैं, वायर को स्ट्रेच करते हैं और वो वापस आ जाती है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में, हम बोलते हैं बॉडी क्या है? इलास्टिक बॉडी है। और अगर वो वापस नहीं आती, टूट जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, तो वो कौन सी बॉडी है? वो प्लास्टिक बॉडी है। प्लास्टिक बॉडी है, क्लियर है यहां तक? इलास्टिक, प्लास्टिक। तो हम किसकी किस बॉडीज को स्टडी करने वाले हैं यहां पर? इलास्टिक बॉडीज को। तो यानी कि एक बात तो पक्की है, मैं खींचूंगा, छोड़ूंगा, बॉडी रीगेन कर जाएगी अपनी शेप एंड साइज। तो ये चैप्टर स्टार्ट कहां से है? हुक्स लॉ। हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर भी ऐसी चीजें की थी, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एक बार फिर से बताता हूं। लेकिन वो करने से पहले एक चीज बताओ, अगर आपके पास कोई इलास्टिक वायर है या रबर बैंड है, आप जितना लोड लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, उतनी उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती जाएगी, जितना भार लगाएंगे उतनी वो लंबी होती जाएगी। तो ग्राफ क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट, हुक्स लॉ ये कहता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहां पर प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। पर ये लॉ आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है। तो एक काम करते हैं, इस लॉ को समझने से पहले स्ट्रेन क्या है इसको समझते हैं। हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर एक फॉर्मूला भी किया था इसका। जो स्ट्रेन है वो होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, आपने इसे फोर्स लगा के लंबा कर दिया। कितना लंबा कर दिया भाई? डेल्टा एल। तो कितना लंबा किया? डेल्टा एल। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल। तो ये क्या है? फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ या फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन। और क्योंकि ये स्ट्रेन लेंथ में है तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेंथ का स्ट्रेन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसी तरीके से वॉल्यूम के अंदर अगर निकालना है, तो एक बॉल है, आपने हर तरफ से इस पे फोर्स लगाई तो वॉल्यूम वी से वी डैश हो गया। तो चेंज कितना हुआ? वी माइनस वी डैश, यानी कि डेल्टा वी। तो स्ट्रेन क्या हुआ? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के अंदर चेंज जब आता है उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेंथ में स्ट्रेन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम में स्ट्रेन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और एक स्ट्रेन है, ये अलग स्ट्रेन है, ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करता। जैसे एक वायर है, एक खंबा है, हवा चली, वो खंबा थोड़ा टेढ़ा हो गया, वायर टेढ़ी हो गई। तो कितना टेढ़ी हो गई? बाय एंगल ऑफ थीटा, क्योंकि आपने फोर्स लगाई एफ या विंड ने फोर्स लगाई एफ, और ये टेढ़ी हो गई थीटा। इस थीटा को बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तीन किस्म के हो गए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और एंगल को क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेन। ठीक, तीन स्ट्रेन हो गए। अब इसमें स्ट्रेन के बाद स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आपने एक वायर को इसको लंबा करना है, तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया पे फोर्स नॉर्मल लगानी पड़ेगी। क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा है और फोर्स इसके साथ परपेंडिकुलर है। क्लियर है यहां तक? तो आपने एफ फोर्स लगाई क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स नॉर्मल है एरिया के साथ। लेकिन इस प्रॉब्लम में जब आपने फोर्स को टेंजेंशियल लगाई थी इस एरिया पे और ये बॉडी टेढ़ी हो गई थी, तो आपने फोर्स टेंजेंशियल लगाई, तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर आप फोर्स टेंजेंशियल लगाएंगे तो टेंजेंशियल स्ट्रेस नॉर्मल लगाएंगे, नॉर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला दोनों में विल रिमेन सेम, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो स्ट्रेन कितने टाइप के? तीन। स्ट्रेस कितने टाइप के? दो। तो वायर को ऐसे खींचा तो नॉर्मल फोर्स है, और टेढ़ा फोर्स लगाया तो टेंजेंशियल फोर्स है। अब वापस चलते हैं हुक्स लॉ पे। हुक्स लॉ क्या था? कि कांस्टेंट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब क्योंकि स्ट्रेन तीन किस्म का है, पहला क्या? लॉन्गिट्यूडनल। तो अगर स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है तो नॉर्मल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की रेशियो को, इस कांस्टेंट का नाम क्या रखेंगे? यंग्स मॉडुलस। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेन तीन किस्म का है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक, शेयर। तो ये कांस्टेंट के तीन नाम आएंगे। अगर स्ट्रेन आपने लॉन्गिट्यूडनल यूज किया तो इस कांस्टेंट का नाम है यंग्स मॉडुलस। अगर आपने स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक यूज किया तो कांस्टेंट का नाम है बल्क मॉडुलस।
और अगर आपने स्ट्रेन थीटा यूज किया, इस कांस्टेंट का नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी करेक्शन है, रिजिडिटी, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेन तीन किस्म के हैं, तो कांस्टेंट भी तीन किस्म के हैं। हुक्स लॉ ने कहा था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ना, तो क्योंकि स्ट्रेन तीन टाइप का तो कांस्टेंट भी तीन टाइप का। पहला यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस वर्ड कब यूज करते हैं, जब स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है। वॉल्यूमेट्रिक में क्या यूज करते हैं, बल्क मॉडुलस, और शेयर में एंगल में क्या यूज करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। ये तीन कांस्टेंट जो हैं, ये जो तीन कांस्टेंट्स हैं, वैसे इनका नाम है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी। ये तीनों का नाम वैसे इन जनरल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि तीन किस्म के होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं, तो यंग्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल। तो ये फॉर्मूले को आप मार्क कर लें या लिख लें, वाई इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। ये पहला फॉर्मूला आज के न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला। अब बात करते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का सिंबल वैसे कई बुक्स बी या के यूज करती हैं, वैसे नॉर्मली बी यूज करती हैं। बल्क मॉडुलस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या, डेल्टा वी बाय वी, पर साइन नेगेटिव यूज करते हैं। क्यों, रीजन, यंग्स मॉडुलस यूज कहां होता है, इसकी एप्लीकेशन समझो। यंग्स मॉडुलस यूज होता है इलास्टिक वायर्स में, इलास्टिक वायर्स में, जैसे लिफ्ट की वायर है, लिफ्ट की वायर लिफ्ट को उठाती है पूरा दिन, लोग भी उसमें ट्रेवल जो है बैठते हैं या जाते हैं लिफ्ट में, भार होता है, लोड होता है, तो वायर इतना लोड उठा के स्ट्रेच नहीं हो जाएगी, तो उस इट शुड बी इलास्टिक, नहीं तो टूट नहीं जाएगी, अगर प्लास्टिक होगी तो टूट जाएगी, तो इट शुड बी अ लिटिल बिट इलास्टिक। अब ज्यादा इलास्टिक में भी टूटने का डर है, तो हम उसकी इलास्टिसिटी को स्टडी करते हैं, और हम यंग्स मॉडुलस को यूज करेंगे। आज सिखाऊंगा कैसे, क्रेन की वायर्स, आपकी स्प्रिंग की वायर्स, जो इलास्टिक के नेचर है, मतलब सॉलिड के अंदर इलास्टिसिटी यूज कर रहे हैं, तो यंग मॉडुलस की एप्लीकेशन है। अब दूसरा एग्जांपल है, आप एक बॉल को सी के नीचे ले जाओ, ओशन के नीचे ले जाओ, बहुत नीचे ले जाओ, कई किलोमीटर नीचे ले जाओ, तो पानी हर तरफ क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, तो बॉल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, हमारा सर भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप बहुत नीचे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर हमारा ब्लड प्रेशर चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो बॉल कंप्रेस हो जाएगी। तो बॉल जब कंप्रेस होगी, तो लिक्विड ने प्रेशर लगाया, लिक्विड ने फोर्स लगाई, तो लिक्विड एंड गैसेस, उसी तरीके से गैस चैम्बर के अंदर बॉल को रख दो और प्रेशर बढ़ा दो, तो बॉल फिर छोटी हो जाएगी, क्योंकि गैस ने प्रेशर लगाया। तो लिक्विड और गैसेस जब इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, तो उसमें टर्म हम क्या यूज करते हैं, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस लिक्विड या गैसेस के लिए, सॉलिड के लिए यंग्स मॉडुलस, राइट। तो मान लो एक बॉल है और वो छोटी हो गई, तो डेल्टा वी छोटा हो गया, इससे साइन क्या यूज कर रहे हैं यहां पर, नेगेटिव, क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव नहीं है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है। लेकिन अगर बॉल बड़ी हो जाती तो फिर पॉजिटिव यूज करेंगे, वैसे नॉर्मली छोटी ही होती है, हम समुद्र के नीचे लेके आते हैं, बाहर तो लेके नहीं आते, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट उसने फॉर्मूला क्या लगा दिया, नेगेटिव, राइट। तो पहला फॉर्मूला समझ में आ गया न्यूमेरिकल्स के लिए, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल वाई। दूसरा फॉर्मूला बी इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, क्योंकि लिक्विड में फोर्स बाय एरिया को स्ट्रेस नहीं बोलते, सॉलिड में स्ट्रेस बोलते हैं और लिक्विड में प्रेशर बोलते हैं, तो लिक्विड या गैसेस क्या लगाएंगी, प्रेशर। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, बल्क मॉडुलस का। और बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को हम नाम देते हैं कंप्रेसिबिलिटी, तो कभी कभी वो जान के क्या करेगा, कंप्रेसिबिलिटी दे देता है, उसका रेसिप्रोकल लेके हम क्या निकालते हैं, बल्क मॉडुलस। तो याद रखने, और लास्ट, अगर मान लो वो कोई खंबा टेढ़ा हो गया, पिलर टेढ़ा हो गया, बिल्डिंग टेढ़ी हो गई विंड चलने से, तो कितना टेढ़ी हो गई, थीटा, तो ऐसे केस में फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय क्या लगाएंगे यहाँ पर, थीटा, और इस कोफिशेंट का सिंबल क्या होगा, ईटा। तो ये कहाँ यूज होगी एप्लीकेशन, जब चीज़ें टेढ़ी हो जाती हैं, ये आखिरी एप्लीकेशन को बाद में देखेंगे। तो आज का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, यंग्स मॉडुलस पे है। तो आज का काम सिर्फ यंग मॉडुलस पे रहेगा, हम सॉलिड और वायर्स पे लगाएंगे यंग मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो देखिए फॉर्मूलाज क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है।